हेलो दोस्तों, मैं किरण गोजले पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप्स और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जो स्पोर्ट और फिटनेस से रिलेटेड है। तो आज मैं आपके लिए 1600 मीटर का बेस्ट वर्कआउट लेकर आया हूँ। अगर आप दोस्तों रोज रनिंग करते हो, आप वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते, कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपका परफॉर्मेंस नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप वर्कआउट अच्छे से करोगे तभी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए मैं आज आपके लिए एक वीकली शेड्यूल लेकर आया हूँ, जिसे आप इस वर्कआउट को फॉलो करोगे तो आप 4:40 तक की रेस लगा सकते हो। और दोस्तों आपको वर्कआउट अच्छे से कर लेना है। और दोस्तों मैं बिल्कुल सही बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से समझो, तभी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको प्रैक्टिस करते हुए 15 दिन हो गए, तब आप इस वर्कआउट को करो। तो चलो इस वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको वर्कआउट करने से पहले दोस्तों आपको ये पहले लाइटली स्ट्रेचिंग करना है, फिर उसके बाद हम 10 या 15 मिनट जॉगिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपकी बॉडी एक अच्छा वर्कआउट करने के लिए रेडी होती है। फिर हम वर्कआउट करेंगे और आप वर्कआउट पूरा होने के बाद दोस्तों हमें अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। और ये जो वार्म अप है, स्ट्रेचिंग है, जो ये जो बेसिक एक्सरसाइज है, वो आपको दोस्तों कंपलसरी करना है। और इस सभी वर्कआउट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इस वर्कआउट को करो। तो चलो चलते हैं हम मेन वर्कआउट पर। तो दोस्तों मंडे में हमें मॉर्निंग में पहले पूरा वार्म अप एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद हम ABC एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपका स्पीड बढ़ेगा और आपकी जो स्टेप है वो इंक्रीज हो जाएगी। ABC एक्सरसाइज हम 30 मीटर में करेंगे, और हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट लगेंगे। इसे हम 7 या 8 एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और छोड़ देंगे। बस हमें मॉर्निंग में इतना ही करना है। फिर चलते हैं हम इवनिंग में। इवनिंग में हमें 1200 मीटर की एक रेपिटेशन लगानी है, और वो भी 70-80% से, और उसका टाइमिंग होना चाहिए लगभग 3:40 से 4 मिनट तक। और दोस्तों सभी का इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग हो सकती है। किसी का 4:10 आ सकता है, किसी का 4:30 आ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, हम अभी टाइमिंग नहीं देखना है, हमें रेपिटेशन पूरी लगाना है, हमें जो भी वर्कआउट है उसे पूरा करना है। फिर उसके बाद हम 3 या 4 मिनट रेस्ट लेंगे, और उसके बाद हम 1 किलोमीटर की 2 रेपिटेशन लगाएंगे, 70 या 80% से लगाएंगे, और एक रेपिटेशन के बीच 3 या 4 मिनट रेस्ट लेंगे। अगर आप ज़्यादा थकते हो तो दोस्तों 5 या 6 मिनट रेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वर्कआउट पूरा करना है, क्योंकि आप वर्कआउट अच्छे से करोगे तो भी आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। फिर हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है और छोड़ देना है। बस हमें मंडे में इतना ही करना है। ट्यूजडे में हमें लेग वर्कआउट करना है, क्योंकि आप रनिंग करते वक्त आपके जब पैर थकते हैं, आप पैर ही उठा नहीं पाते, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम बढ़ जाती है। इसीलिए हमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लेग वर्कआउट करना ज़रूरी है। इसके भी हम 4 या 5 एक्सरसाइज करेंगे, और हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट लगाएंगे। उसमें हम जंप एंड स्क्वाट लगा सकते हैं, हम स्टैंडिंग लंजेस करेंगे। और दोस्तों मैं वीडियो में डिटेल्स में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो लंबे हो जाएगी। मैं जो भी वर्कआउट बताता हूँ उसकी वीडियोज में दोस्तों बना सका हो, आप चैनल पर जाकर देखें, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप वर्कआउट करो। फिर उसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके छोड़ देंगे। फिर चलते हम इवनिंग में। इवनिंग में हमें कुछ नहीं करना, हम इवनिंग में हम 15 से 20 मिनट रनिंग करेंगे, वार्म अप करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे, बस हमें इतना ही करना है। वेंसडे में हम दोस्तों स्पेस रनिंग करेंगे, 4 किलोमीटर स्पेस रनिंग करेंगे, और एक ऐसा करना है देखो, क्योंकि हमें स्पीड एंड्योरेंस की भी ज़रूरत होती है। देखो आप 400 मीटर का एक राउंड लगाते हो, और उसका जो टाइमिंग आता है, वैसे दोस्तों 4 किलोमीटर में आपका हर राउंड का सेम टाइमिंग आना चाहिए। समझो आपका 1:30 आ गया, 1:20 आ गया, तो उसे हर एक राउंड का सेम आना चाहिए। 2-3 सेकंड आगे पीछे जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको 4 किलोमीटर लगाना है। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर पूरा होने के बाद हमें पूरा कोर एक्सरसाइज करना है। उसमें हम 8 या 10 एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम सीटअप लगा सकते हैं, होल्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हर एक एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट लगाएंगे, और फिर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके छोड़ देंगे। बस हमारा वेंसडे का वर्कआउट खत्म हो गया, मॉर्निंग का वर्कआउट खत्म हो गया। फिर हमें इवनिंग में पूरा रेस्ट लेना है, क्योंकि हमें थोड़ी बॉडी हमारी रिकवर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपकी जब बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाएगी तभी आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा।
इसलिए हमें ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। थर्सडे में हम मॉर्निंग में हिल ट्रेनिंग करेंगे और हिल में हम 15 से 20 मिनट स्लो वॉच करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 200 या 300 मीटर में भी आप हिल ट्रेनिंग कर सकते हो। हमें जाते समय 200 मीटर फास्ट जाना है 80 या 90% से, और वापस आते समय स्लो जॉगिंग करके आना है, फिर फास्ट जाना है, फिर स्लो जॉगिंग करके आना है। ऐसे हम 15 से 20 मिनट करेंगे। फिर उसके बाद हम 5 मिनट रेस्ट लेंगे और कुछ 4 या 5 एक्सरसाइज करेंगे। उसमें हम बाउंडिंग करेंगे, हनुमान जंप करेंगे, फिर लंजेस करेंगे, फिर पार्टनर एक्सरसाइज करेंगे और हर एक एक्सरसाइज के 2 सेट लगाएंगे। उसके बाद 3 या 4 मिनट रेस्ट लेंगे और 100 मीटर की 5 स्प्रिंट लगाएंगे, और वो भी 80 या 90% है, 90% से आपको फंस जाना है। और फिर उसके बाद हमें अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। बस हमारा मॉर्निंग का हिल ट्रेनिंग ख़त्म हो गया। फिर इवनिंग में हमें कुछ नहीं ज़्यादा करना है, हमें थोड़ा वार्म एक्सरसाइज करके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। बस हमें थर्सडे में इवनिंग में इतना करना है। फिर फ्राइडे में हम पूरा ABC एक्सरसाइज करेंगे, उसमें भी हम 7 या 8 एक्सरसाइज करेंगे और उसके हम 2 सेट लगाएंगे, और वो भी हम 30 मीटर डिस्टेंस में करेंगे, और फिर उसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके छोड़ देना है। फिर इवनिंग में हम थोड़ा स्पीड वर्कआउट करेंगे, उसमें हम 300 मीटर की 2 रेपिटेशन लगाएंगे, उसका एफर्ट होना चाहिए 80 या 90% तक, और हर एक रेपिटेशन के बीच हम 3 मिनट रेस्ट लेंगे, और 300 मीटर रेपिटेशन ख़त्म होने के बाद हम 5 मिनट रेस्ट लेंगे, और फिर उसके बाद 200 मीटर की 4 रेपिटेशन लगाएंगे। 85 से 90% से आप फंस जाएंगे, और हर एक रेपिटेशन के बीच हम 2 या 3 मिनट रेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद वर्कआउट ख़त्म होने के बाद दोस्तों हमें अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। सैटरडे में हम मॉर्निंग में 50 मिनट से 1 घंटे तक स्लो जॉगिंग करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा एंड्योरेंस भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रनिंग करते वक्त जब आप ज़्यादा थकते हो आपकी सांस फूल जाती है, इसलिए हमें दोस्तों एंड्योरेंस बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम 1 घंटे तक स्लो जॉगिंग करेंगे, और फिर उसके बाद हम स्ट्रेचिंग करके छोड़ देंगे। फिर हमें इवनिंग में पूरा रेस्ट लेना है, हमें इवनिंग में कुछ नहीं करना। उसके बाद हम संडे में पूरा रेस्ट लेंगे, हमारी बॉडी रिकवर होनी चाहिए, हमें पूरा रेस्ट लेना है, हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि बॉडी रिकवर होने दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी रिकवर होगी तभी आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। फिर हम मंडे से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। इस तरह आप दोस्तों वर्कआउट अच्छे से कर लो, आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।